कायद अजम यूनिवर्सिटी के अंदर होली का जो खेल खेला गया उसकी जरा ये क्लिपिंग थोड़ी सी देखें, फिर आपके साथ बात करें। अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है। कायदे आजम ने हिंदुओं के साथ ना रहने के चक्कर में अलग मुल्क बनवा दिया और उसी के नाम पे बनी हुई यूनिवर्सिटी में आज ये लड़कियों के मुंह पे गुलाल लगा रहे हैं, हिंदू फेस्टिवल मना रहे हैं। वैसे कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है। अब तुम्हारी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए कभी किसी दुनिया के आला तालीमी सेमिनार के अंदर खिताब करते हुए नहीं देखे मैंने। तुम्हारी इन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से निकले हुए दुनिया की किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ नहीं देखे कभी मैंने। दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में कुआला अहदेदार नहीं देखा मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटियों से निकला हुआ। दुनिया के किसी बड़े अदारे, बड़े अस्पताल में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं देखा तुम्हारी यूनिवर्सिटियों से निकला हुआ। कहां से बनेंगे? ये माहौल है इस मुल्क के अंदर तालीमी निजाम का। अब देखो वहां के असातिज़ा, वहां का डीन, वजीर तालीम, मतलब यार कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में। फिर कहते हो कि पाकिस्तानी वालिदैन अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते। अरे कौन सा गैरतमंद बाप अपनी बेटी को ऐसी जगह पे भेजना चाहेगा जहां लोंडे आके उसकी बेटी के गाल पे गुलाल मले। ये माहौल दे रहे हो पाकिस्तान की बच्चियों को तुम तालीम के लिए, ये वाला माहौल। और फिर कहते हो कि बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती। और बेशर्मों, बेहिसों, बेगैरतों, अपनी औलादें तो तुम्हारी यूरोप और कनाडा के अंदर पढ़ती हैं। पाकिस्तान में गरीब की बच्ची के लिए तालीमी इदारों को बर्बाद मत करो। और ये लौंडे लपाड़े, वो भी 16,000 की तादाद में हैं आज जेलों में कैद, जो इस मुल्क में नजरिए की जंग लड़ते हुए तब्दीली का ख्वाब लेकर के जेलों में चले गए, वो भी किसी माँ और बाप की ही औलादें। और ये लपाड़े, घर में इनके बिजली का पंखा नहीं चलता, माँ बेचारी पसीने से शराबूर किचन में काम कर रही होती है, बाप इनका आटे की लाइनों में मर रहा होता है वहां पर, दादी बेचारी बीमारी से खांस रही होती है, अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं है, नहाने के लिए नल खोलते पानी इनके घर में नहीं आता, उधारी पतलून और शर्ट और चश्मा लेके आके लड़कियों के मुंह पे गुलाल मल रहे हैं। ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, ये फ्यूचर, ये बनाएंगे पाकिस्तान को। ये 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 अब कितने बेहिस और बेगैरत किस्म के तुम, न कोई नजरिया है, न कोई सोच है, न कोई फिक्र है इस मुल्क की। तुम यूथ हो इस पाकिस्तान की, तुमने आने वाले वक्तों में इस मुल्क के इदारों के अंदर बैठना है, इस मुल्क के ओहदों के ऊपर बैठना है, और ये तुम्हारी तरबियत है।